Maharashtra, where yet another such crime has shocked the conscience of the nation. Yes, I am referring to the sexual assault of the two nursery students that has taken place in Badlapur at a school. Now, the Samtanagar police has registered a case under the POCSO Act. They have arrested the prime accused for sexually assaulting the two minor girls. Remember, these were nursery students aged 4 and 6 years old. Now, the police will present the prime accused in the court. This accused is a janitor who was working at the school. This, of course, comes after the Bombay High Court took suo motu cognizance of the sexual assault against the two kindergarten girls. Maharashtra has, of course, seen massive protests over the sexual abuse of the two minors. We see those visuals on our screens. People are furious with the state of what has taken place. They're out on the streets. On the visuals you can see on the screens, they're on the rail tracks, trying to put pressure on the authorities to act against the accused. The police has arrested the attendant, the janitor at the school, for abusing the two girls. Now, as per the complaint, he abused the girls in the toilet in the school. My colleague Nitish Jha is joining us live from Mumbai with more details. Nitish, latest update, a case has been registered under the Protection of Children from Sexual Offences Act. What next are we expecting? जी बिल्कुल पिया, आपको बता दे, दर्शकों को बता दे, ये पूरा केस मुंबई के कांदीवली के समतानगर इलाके का है, जहां पर एक 4 साल की बच्ची और एक 6 साल की बच्ची के साथ जो है यौन उत्पीड़न का आरोप एक आरोपी पर लगा है, जिसे महज एफआईआर दर्ज होने के 3 घंटे के अंदर ही है जो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और आज उसे बोरीवली कोर्ट में जो है वहाँ पेश किया जाएगा और वहाँ कोर्ट से पुलिस आरोपी की पुलिस कस्टडी की मांग करेगी और उसके बाद कस्टडी मिलने के बाद जो है एविडेंस के लिए और कि आगे की जांच के लिए जो है पुलिस जुट जाएगी। लेकिन इन सबके बीच में सवाल यही उठता है कि बीते दिनों जहां आरजीकल मेडिकल कॉलेज में ऐसी घटना सामने आई थी जिसको लेकर प्रोटेस्ट चल रहा था, प्रोटेस्ट 8-9 दिन से लगातार चल रहा था और वहीं बदलापुर से फिर ऐसी घटना सामने आई जहां पर दो बच्चियों के साथ, जो स्कूल नर्सरी की किंडरगार्टन की बच्चियां थी उनके साथ ऐसी घटना आई और उसको लेकर बदलापुर में हाल ही में भी परसों के दिन ही प्रोटेस्ट हुआ ही है और उसके बाद फिर से ऐसी घटना जो है वो सामने आई है। इस तरह की घटना लगातार इस तरह की घटना में जो है बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और ऐसे में राज्य सरकारों को, केंद्र सरकार को और जो प्रशासन है उन्हें कुछ कड़े प्रावधान लाने की जरूरत है। आपको बता दें, इस पूरे बदलापुर के मामले में जो है कल बॉम्बे हाईकोर्ट ने खुद संज्ञान लिया था और जो इस पूरे मामले SIT की जो अध्यक्षता है आरती सिंह, IPS आरती सिंह, उन्हें भी वहां पर पेश रहने के लिए कहा गया था। AG सराफ ने जो है स्टेट के तरफ से बातें रखी, पैरवी की, लेकिन जो जस्टिस रेवती मोहिते और जस्टिस पृथ्वीराज चौहान ने पुलिस को और सरकार को जमकर फटकार लगाई इस पूरे मामले में, बदलापुर वाले मामले में जो है लगातार बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है कि बदलापुर पुलिस स्टेशन की तरफ से कुछ कार्रवाई जो है की ही नहीं गई थी। जो FIR कॉपी सौंपी गई थी बॉम्बे हाईकोर्ट को, वो FIR कॉपी के मुताबिक जो बच्ची थी उसने स्कूल के प्रशासन को जो है कंप्लेन की थी उस स्वीपर के लिए, लेकिन उसके बावजूद जो है स्कूल प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई जो है शुरुआती तौर में नहीं की गई थी और कोर्ट ने इसी चीज को लेकर जो है पुलिस को फटकार लगाई कि पुलिस ने इस पूरे मामले में जो है स्कूल प्रशासन के बयान क्यों नहीं दर्ज किए। POSCO एक्ट के तहत जो है बच्चियों के बयान दर्ज करने से पहले उनकी काउंसलिंग की जाती है, क्या पुलिस ने ऐसे कुछ स्टेप्स लिए थे। इन सारी चीजों के ऊपर कल बॉम्बे हाईकोर्ट ने जो है पुलिस प्रशासन को घेरा है और अगले मंगलवार को इस पूरे मामले में फिर से सुनवाई है, जहां पर बदलापुर वाले मामले में बदलापुर पुलिस से जो है कई सारे जवाब जो है, सवाल जो है वो तलब करेगी बॉम्बे हाईकोर्ट और साथ ही इस पूरे मामले में जो है एक स्टेटस रिपोर्ट जो है वो भी मांगा है बॉम्बे हाईकोर्ट ने। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.